यार वड़ा पाव वाली के पास जाकर मेरा बहुत ही गंदा कट गया। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि वड़ा पाव बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है, और ज्यादातर लोग खाने की जगह दीदी के पाव देखने के लिए जा रहे हैं। तो जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उसमें। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर जिमी को खाना देकर शाम जी को माथा टेक कर मैं घर से निकल जाता हूँ। फिर सबसे पहले मैं तेल डलवाने आ जाता हूँ, अब वो कहाँ पे ये तुम खुद डिसाइड कर लो। उसके बाद हम लोग सीधा वड़ा पाव वाली के लिए निकल जाते हैं और मादीपुर को पार करते हुए सीधा अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँच कर हमें कोई भी देखने को नहीं मिलता है, तो भैया से पूछकर हमको पता चलता है कि दीदी अभी थोड़ी देर में आएंगी। तो हम सोचते हैं क्यों ना तब तक आसपास की जगह एक्सप्लोर कर ली जाए, लेकिन इतने बड़े मेन्यू को छोड़कर हमारी नजर सीधा मोमोज के ऊपर जाती है। फिर तभी हमको याद आता है कि नवरात्रे चल रहे और प्याज से हमारे रिश्ते थोड़े दूर के चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर इंतजार करके हम लोग दीदी की दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, और तभी हमको पता चलता है कि दीदी आज आई ही नहीं है। मतलब कि मेरा पैसा, टाइम, तेल सब कुछ वेस्ट हो गया। फिर अपना कटवा कर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक बोर्ड को देखकर शॉक हो जाते हैं। भाई ये क्या बना हुआ है, तुम खुद ही कमेंट्स में बता दो।